कोरोना से हालत नाजुक होने के बाद इंजीनियर कुमावत को पुणे के लिए किया एयरलिफ्ट। कोरोना के खिलाफ जंग में जहां राज्य सरकार ने सोमवार से ही त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की है, वहीं भीलवाड़ा में भी महामारी का साया अभी भी मंडरा रहा है। लोगों में अभी भी कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से व्हाइट फंगस का खतरा बना हुआ है। शहर के एक निजी अस्पताल स्वास्तिक हॉस्पिटल में ऐसा ही एक मामला सामने आया। यूआईटी में कार्यरत 32 वर्षीय इंजीनियर प्रवीण कुमावत को पिछले 15 दिनों से कोरोना संक्रमित होने के कारण इलाज हेतु वहां भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें बीते दिनों वेंटिलेटर पर रखा गया। प्रवीण की 2 कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया। अभी उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के डॉक्टर हरीश मारू का कहना है कि पुणे के मशहूर दीनानाथ मंगेशकर चिकित्सालय के डॉक्टर्स की टीम एयर एम्बुलेंस से भीलवाड़ा पहुंची, जहां भीलवाड़ा में पुणे से आई डॉक्टर्स की टीम ने मरीज कुमावत को एक्मो मशीन पर स्टेबल कर एयर एम्बुलेंस से आज पुणे ले जाया गया। डॉक्टर मारू का कहना है कि भीलवाड़ा में पहली बार किसी मरीज को एक्मो मशीन की आवश्यकता पड़ी। प्रशासन की देखरेख व हॉस्पिटल स्टाफ की निगरानी में आज सुबह कुमावत को क्रिटिकल एम्बुलेंस से हवाई पट्टी हबीरगढ़ ले जाया गया। एयरलिफ्ट किया जाना संभव हो नहीं पाया, ईश्वर की कृपा से अब मौसम साफ हुआ है तो एयर एम्बुलेंस वाली टीम आई है। जो नई बात ये हुई भीलवाड़ा में पहली बार कि हमने उस पेशेंट को उस एयर एम्बुलेंस वाली टीम ने और हमारी टीम के सहयोग से एक्मो पर उसको स्टेबल करके पेशेंट को, हालांकि पेशेंट अभी भी काफ़ी सिक है, ईश्वर करे कि वो पहुंच जाए, एक्मो मशीन जो फेफड़े और हार्ट का काम करती है। जब मरीज कोविड में बहुत गंभीर रोगी होता है, फेफड़ा काम नहीं करता है, तो फेफड़े को आराम देने के लिए उस मरीज को एक्मो पर स्टेबल किया जाता है। ये अपने आप में भीलवाड़ा में एक पहला प्रयोग है। इससे जो मरीज अफोर्ड कर सकते हैं, जो युवा हैं, जो परिवार के लिए खास हैं या वैसे भी जो हैं, उन लोगों के लिए एक आगे के लिए एक उदाहरण पेश हो पाएगा। ईश्वर करे मरीज सलामती से पहुंच जाए। धन्यवाद। ये पुणे की टीम आई है, दीनानाथ मंगेशकर जो लता मंगेशकर जी का हॉस्पिटल है उनके वहाँ से एक्सपर्टाइज टीम आई है, और जो फ्लाइट है वो हमीरगढ़ खड़ी है, यहाँ से क्रिटिकल एम्बुलेंस में पेशेंट वहाँ जाएगा और वहाँ से एयरलिफ्ट होगा। तो लंग्स काफ़ी एंड स्टेज पे है एक तरह से, और पर मरीज की उम्र को देखते हुए हमें आशान्वित तो रहना होगा कि भगवान करे वो ठीक हो जाए। आपको बता दें इंजीनियर प्रवीण कुमार का पुणे ससुराल है और वहाँ उनके रिश्तेदार भी रहते हैं। आज प्रशासन की पूरी टीम ने जिसमें SDM ओम प्रभा, तहसीलदार डॉक्टर लाला राम यादव, UIT सेक्रेटरी महिपाल सिंह, UIT इंजीनियर रोहन अजमेरा, तेजमल शर्मा और हमीरगढ़ थाना प्रभारी प्रकाश भाटी सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। आखिर कोरोना का हरा जिंदगी की जंग जीतने गए कुमावत पर प्रशासन व अस्पताल का पूरा सहयोग रहा। देश में जहां राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया है, वहीं भीलवाड़ा में कोरोना की हालत आज बहुत दयनीय है। और आप भीलवाड़ा में स्वास्तिक हॉस्पिटल में एक UIT में JEN है मिस्टर प्रवीण कुमार कुमावत, उनकी हालत पिछले काफ़ी समय से नाजुक है और वो कोविड की बीमारी से पीड़ित है। उन्हें पिछले कुछ दिनों पहले स्वास्तिक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। कल उनकी स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो गई थी। पुणे से डॉक्टर की टीम बुलाई गई और आज उन्हें एयरलिफ्ट के मार्फत से पुणे ले जाया जा रहा है। आज हम खड़े हैं हमीरगढ़ एयर पट्टी पे, और जहां आपने देखा कि पूरा प्रशासन आज इस घड़ी में उनके साथ में है, परिवार के साथ में, और हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। भीलवाड़ा नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की यह रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव प्रवीण कुमावत नाम से एक पेशेंट है, उनका UIT में JEN भी है और उनका कुछ एक्मो टेक्निक के ऊपर उनको शिफ्ट करना था यहाँ से, ऐसा डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था। तो उसके आधार पे पुणे से एक क्राफ्ट आया है और उनको एयरलिफ्ट यहाँ से किया गया है। इस दौरान इनको बाकायदा पुलिस प्रशासन के समन्वय से इनको और डॉक्टर्स की टीम के समन्वय से यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर किया गया स्वास्तिक से एयर स्ट्रिप तक, और हमीरगढ़ हवाई अड्डे से अभी उनका टेक ऑफ।